नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों 2022 का अंत होने वाला है और आने वाला है बुध प्रदोष व्रत। जी हाँ, ऐसा व्रत, प्रदोष व्रत जो बुधवार को पड़ता है वो आने वाला है। जी हाँ, साल का अंतिम प्रदोष व्रत 21 दिसंबर 2022 को दिन बुधवार को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत के दिन हमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत को करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता और भगवान उल्टा रुष्ट हमसे हो जाते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें बुध प्रदोष व्रत के लिए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दौरान महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, ऐसा करने से माँ पार्वती नाराज हो जाती हैं। प्रदोष व्रत करने वाले हर इंसान को काले रंग के कपड़ों का धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग को पुरुष तत्व से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए कभी भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। और हमें भगवान शिव को केतकी के फूल, तुलसी की पत्तियाँ, नारियल का पानी, शंख का जल, कुमकुम या सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बुधवार यानी प्रदोष व्रत के दौरान हमें तामसिक भोजन, मांस, शराब इत्यादि का भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए। और प्रदोष व्रत के दौरान अगर हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें किसी पे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर गुस्सा आ भी जाए तो हमें शांत रहना चाहिए। दोस्तों अगर हम आपको बताई गई ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।